आज के दिन पे किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि कल का भी दिन आएगा या कल का भी दिन इस टेस्ट मैच में होगा। हमें लग रहा था कि आज का आधा दिन खत्म है, इंग्लैंड इंग्लैंड से उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन ओली पोप अकेला 148 नॉट आउट। हर ओवर में इस आदमी ने रिवर्स स्वीप मारा है, इतने रिवर्स स्वीप मारे, इतने रिवर्स स्वीप मारे। अभी रेहान अहमद बच्चा आके, 19 साल का रेहान अहमद बच्चा आके आपको नाको चने चपा रहा है, 16 रन पे खेल रहा है नॉट आउट। हम अनबीटेबल हैं, हम तो आंख बंद करके इस पिच के ऊपर बॉल डाल देंगे, हमें विकेट मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता। दो ट्रेनें आपस में जाके टकरा रही हैं, आपस में है, इतनी तेज गति से भाग रही है दो बैलगाड़ियां, तो बीच में से बॉलें निकल रही है, चौके, फील्डिंग गंदी आप कर रहे हो, बॉलर्स के कंधे गिरे हुए हैं, कोई चांसेस छोड़ नहीं रहे, मतलब कोई चांस पकड़ नहीं रहे आप उनका। सामने क्रम इंग्लैंड के मुकाबले में जब भारत एक अच्छी पोजीशन पर था पहले टेस्ट में जो कि हैदराबाद में खेला जा रहा है, यानी इंग्लैंड ने 246 रन बनाकर सारी विकेटें गंवा दी थी, तो उसके मुकाबले में 436 रन तक भारत पहुंचा अपनी पहली इनिंग्स में और तकरीबन 200 रन की लीड हासिल की, तो भारतीय बड़े उछलते दिखाई दिए अपने मीडिया पर कि हम तो वन साइडेडली ये मैच 2 रोज पहले ही जीत गए। लेकिन फिर आज जब इंग्लैंड बैटिंग करने के लिए आया तो पहली विकेट उनकी 45 रन पर गिरी, फिर उसके बाद दूसरी विकेट 113 रन पर, उसके बाद विकेटें गिरती गईं, लेकिन फिर 7वीं विकेट के लिए एक लंबी शराकत दारी की गई और इंग्लैंड के बैटर ओली पोप ने 148 रन नॉट आउट खेलकर जिसमें 17 चौके शामिल हैं भारत के अरमान खाक में मिलाते हुए इंग्लैंड को 126 रन की लीड तक भी पहुंचा दिया, यानी 190 रन जो भारत लीड पर था। यह कहा जा रहा था कि उससे पहले भारत ने आउट कर लेगा, उसके बाद भी 126 रन बना दिए हैं और अभी भी इंग्लैंड की 4 विकेट्स बाकी हैं जिसमें उनके टॉप रन स्कोरर 148 रन पर अभी तक क्रीज पर मौजूद हैं, और अगर 100-125 रन मजीद बना दिए जाते हैं इंग्लैंड की तरफ से इन 4 विकेट्स पर, तो फिर भारत के लिए ये मैच निकालना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आखिरी 2 दिनों विकेट काफी मुश्किल हो जानी है। इस सारे मामले पर अब भारत के मीडिया पर एक वबाल सा पड़ा हुआ है और चीखते चिल्लाते नजर आ रहे हैं, अपने बॉलर्स को खरी खोटी सुनाते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है इस वीडियो में आपको वही सब कुछ सुनाते हैं। अल्टीमेट कमबैक बाय इंग्लैंड, एक बार ताली बजा दो भाई इंग्लैंड के लिए। आई मीन इतना फाइट बैक दिखाया, सारी बात करेंगे। इंडिया क्या वाकई फंस चुका है, क्या चांस है इंग्लैंड का कि जीत जाएगी इंग्लैंड, क्योंकि आज के दिन पे किसी को उम्मीद नहीं थी कि कल का भी दिन आएगा या कल का भी दिन इस टेस्ट मैच में होगा। हमें लग रहा था कि आज का आधा दिन खत्म है इंग्लैंड, इंग्लैंड से उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, इंग्लैंड के बैटर्स नहीं खेल पाएंगे, लेकिन पूरा दिन खेल गए, ये सेशन भी खेल गए, इससे पहले वाला भी खेल गए, डिस्पाइट द फैक्ट कि तुमने यार डकेट आउट कर लिया, क्रॉली आउट कर लिया, तुमने स्टोक्स आउट कर लिया, रूट आउट कर लिया, तुमने बेस्टो आउट कर लिया, लेकिन ओली पोप अकेला 148 नॉट आउट। हर ओवर में इस आदमी ने रिवर्स स्वीप मारा है, इतने रिवर्स स्वीप मारे, इतने रिवर्स स्वीप मारे। अक्षर पटेल जी ने 110 पे इसकी कैच भी छोड़ दी, वरना अभी तक मैच खत्म हो चुका होता था। साथ में बेन फोक्स ने आके भी रन बना लिया, वो भी आउट हो गया। अभी रेहान अहमद बच्चा आके, 19 साल का रेहान अहमद बच्चा आके आपको नाको चने चपा रहा है, 16 रन पे खेल रहा है नॉट आउट। उसने भी चौका मारा अश्विन को, वो भी पहले पहले भी इनिंग में आपने देखा था इनकी टेल आपसे आउट नहीं हुई थी, और सेकंड में भी आपने देखा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई आपको कंप्लेसेंट नहीं होना, कहीं आप सोच लो हम अनबीटेबल हैं, हम तो आंख बंद करके इस पिच के ऊपर बॉल डाल देंगे, हमें विकेट मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता। क्या गलतियां करी उनकी बात करेंगे, गलतियां तो करी हैं, वो तो 100% है। जैसे मैंने बताया आपको, अक्षर पटेल ने जो कैच छोड़ी है हाथ की, वो तो छोड़नी नहीं बनती थी, और बीच में हमने मैच भी छोड़ दिया कहीं कहीं पर, हमको लगा मैच जीत चुके। अश्विन जी ने जो फील्डिंग करी है आज, वैसे हंस हंस के हम पागल हो गए। एक बार अश्विन और बुमराह भाग रहे हैं, दो ट्रेनें आपस में जाके टकरा रही हैं, आपस में है, इतनी तेज गति से भाग रही है दो बैलगाड़ियां, तो बीच में से बॉलें निकल रही है, चौके, फील्डिंग गंदी आप कर रहे हो, बॉलर्स के कंधे गिरे हुए हैं, कोई चांसेस छोड़ नहीं रहे, मतलब कोई चांस पकड़ नहीं रहे आप उनका। जैक क्रॉली 31 पे चला गया, डकेट की कॉन्ट्रीब्यूशन 47, ओली पोप 148 नॉट आउट, 17 चौके मार चुका है भाई आदमी, 17 चौके, और रिवर्स पे कितने मारे हैं हर ओवर में, मेरे ख्याल ये रिवर्स पे 50 रन बना गया होगा, हर ओवर में रिवर्स स्वीप मार रहा है। एक आपने वो शॉट देखी थी नीचे हुआ सर के ऊपर से, तो आप ये सोच लो कि रविंदर जडेजा, अश्विन, साथ में तुम्हारा बुमराह, अक्षर, सब के सब लगे हुए, ये प्योर द पुटर आउट नहीं हुआ इनसे ओली पोप, ठीक है, रूट 2 पे आउट कर लिया, बेस्टो 10 पे आउट कर लिया, स्टोक्स को 6 पे आउट कर लिया, यहां तो पक्का था कि मैच खत्म। फोक्स आके अटका 81 बॉल्स में 34 रन, फोक्स यहां पे आके अटका। उसके बाद रेहान अहमद भी अटका हुआ है 31 बॉल में 16 रन। अच्छा एक्स्ट्रा तुमने कितने की दिए, आज 4 तो नो बॉल डाल दी भाई साहब रविंद्र जडेजा जी ने, तो आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मैं ये बोलूंगा, आपने आज जितना बुरा करा ना, इतना बुरा नहीं करा जितना इंग्लैंड अच्छा कर गया। इंग्लैंड से एक पैसे की किसी को उम्मीद नहीं थी कि आपको इतनी फाइट दे देंगे, मगर बेन स्टोक्स की कप्तानी भाई साहब, उसने जो एनर्जी डाली है टीम के अंदर, वो बार बार मैं पहले दिन से देख रहा हूं, उनका एटीट्यूड पॉजिटिव है, और इंग्लैंड जीतता भी ऐसे ही है बिकॉज वो अपना पॉजिटिव एटीट्यूड छोड़ते नहीं है, और इंडिया हारता तब है जब तुम्हारे पर एक्चुअली प्रेशर आ जाए। अब एक्सपेक्टेशन किससे है,
एक्सपेक्टेशन तुमसे है कि तुम अपने घर पे अपने पिच बना के खेल रहे हो, टर्निंग ट्रैक खेल रहे हो। रोहित शर्मा ने तो साउथ अफ्रीका में ऐलान कर दिया था ना कि भाई जब इंडिया आओगे तो पिच के बारे में कंप्लेन मत करना, क्योंकि ऑब्वियसली टर्निंग ट्रैक है, और टर्निंग ट्रैक है भी, एक दो बॉले पड़ के उछली है, एक दो बॉले कटी है, इतनी 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 टर्न मिल रही है भाई। बट ओली पोप आउट नहीं हुआ, बेन फोक्स तुमसे बहुत देर तक आउट नहीं हुआ, 81 बॉल्स खेल गया, रेहान अहमद सर्वाइव कर गया 16 बॉले, 31 बॉल्स, दो चौके मार चुका है, 16 पे खेल रहा है। अभी भी लीड कितने की है आप ये देखिए, लीड कितनी, 126 की लीड है, 126 के आसपास की इनकी लीड है इंग्लैंड की। ये अभी भी कल आए, निपट जाए जल्दी, 150 रन तुम बना लोगे। हालांकि कुछ लोग तो बोल रहे हैं शायद इंडिया से 150 ना बने जी, फोर्थ इनिंग में बैटिंग टफ हो जाएगी जी, इनकी बॉलिंग भी इतनी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपको इन्होंने भगा भगा के आज मारा है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आप एक्सपेक्ट नहीं कर, आपकी शक्लों में 12 बजे हुए थे यार, आप रोहित शर्मा की शक्ल देखते। और रोहित शर्मा, अगेन मैं बोलता हूं भाई, कप्तानी में कोई कमी नहीं हुई है, अगर मैं बोलूं कप्तानी में कमी हुई है तो गलत भाई। उन्होंने सबके, आपके वहां पे आए जॉनी बेस्टो, अक्षर पटेल ने बोल्ड मारा था, अक्षर पटेल बॉलिंग में आ गया, अगले ओवर में रविंद्र जडेजा ने बोल्ड मार दिया, आपके बेन स्टोक्स बैटिंग में आए, रविचंद्रन अश्विन आ गया स्पेल के अंदर, शुरू में दिन के जब जैक क्रॉली बेन डकेट वगैरह खेल रहे थे, जब डकेट खेल रहा था बुमराह को लगा दिया गया, बुमराह एलबीडब्ल्यू मिस कर दिया, बुमराह ने बोल्ड मार दिया, तो रोहित शर्मा ने प्रोएक्टिवली कप्तानी करी यार। एंड में भी देखो, जब फोक्स और आपके वहां पे ओली पोप, इन दोनों की पार्टनरशिप चल रही थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि भाई सब हार, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था सबने हार मान ली, अक्षर पटेल ने आके बोल्ड मार दिया फोक्स को, वो भी अक्षर पटेल को वापस लाए थे रोहित शर्मा। हमारी बॉलिंग दिखाना एक बार रॉबिन, हमारी बॉलिंग जो ठुकाई हो रही थी, आप ये देखोगे कि अक्षर पटेल को 15 ओवर में 69 रन, 4.6 की इकोनॉमी रेट, रविंद्र जडेजा 26 ओवर में 100 बना दिया रविंद्र जडेजा ने भाई, बैटिंग में तो नहीं बनाए, बॉलिंग में बना दिए, 26 ओवर में 101 रन, 3.9 की इकोनॉमी रेट, रविचंद्रन अश्विन 4.4। सिर्फ ये बात नहीं है कि विकेट्स नहीं ले पा रहे थे बाद में, बट रन पड़े जा रहे थे हर ओवर में, सिंगल डबल ट्रिपल, सिंगल डबल ट्रिपल, चौका आ रहा है बीच बीच में, रिवर्स में चौके मार रहा है ओली पोप, लगा हुआ है ठीक है ना। तो रोहित शर्मा ने सब कुछ करा, अब रोहित शर्मा ने 110 पे वो आउट भी था, अभी वो 148, 38 रन ज्यादा और नॉट आउट है। तो रोहित शर्मा क्या करे भाई, अक्षर पटेल ने वहां पे कैच छोड़ दी जब उसने रविंद्र जडेजा का, तो मैं रोहित शर्मा को नहीं बोलता कि रोहित शर्मा की गलती है, लेकिन भाई इंग्लैंड ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग, फॉलो विकेट्स देखो, 45 पे एक, 113 पे दो, यहां से तुमने फंसाना शुरू करा, 113 पे दो, 117 पे तीन, 140 पे चार, 163 पर फाइव, यहां तक तो लग रहा था कि कहीं इनिंग्स डिफीट ना हो जाए, बट 163 फॉर 5 के बाद तुम्हारी नेक्स्ट विकेट आती है 275 फॉर 6, 112 रन की पार्टनरशिप लगती है ओली पोप और बेन फोक्स के बीच में, और वहीं पे तुम्हारा मैच जो है ना, मैं बोल रहा था धीरे 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 पलट रहा है। अब सवाल दो तीन बड़े हैं यहां पर, एक के 126 रन की लीड हो गई, कितनी लीड इनकी या कितना टारगेट ये दे कि इंडिया वाकई मुश्किल में आ जाए, कि इंडिया से रन ना बने, क्या वो रन 150 है, क्या वो रन 200 है, क्या वो रन 250 है, 250 का मामला तो नहीं लग रहा भाई, 6 तो आउट हो गए, इतने भी गए गुजरे नहीं है कि 250 ही पड़वा दें, लेकिन अब ये बताओ 200 में कितने रन बाकी है भाई, 74 रन क्या बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, बन सकते हैं, ऐसे ये मत सोचो कि नहीं बन सकते, बन सकते हैं, हो ये भी सकता है कि 140 पे निबड़ जाए भाई, आज हम भी 175 की लीड लेके आए थे, हम 190 पे निबड़ गए, मतलब 15 रन बनाए थे हमने आज, अगर ये कल भी 10-15 रन बना के आउट हो जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 150 का आपका टारगेट है, इतना मुश्किल नहीं पड़ेगा।